ये मनाजिर किसी इमरजेंसी के नहीं बल्कि रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल के बच्चा वार्ड के हैं, जहां इलाज के लिए आए हुए बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हर बेड पर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बच्चों को लिटाया गया है। 90 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड में 200 से जायद बच्चे जेरे इलाज हैं। रजिस्ट्रार पीट्स वार्ड तैयब चौहान का कहना है कि कम वसाइल में ज्यादा बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। पेशेंट का रश बहुत ज्यादा है। जो हमारा ये वार्ड है ये बेसिकली शुरू में पर्पस बिल्ट वार्ड था 60 बेड्स के लिए, अब हमारे पास 90 सेंक्शन बेड हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास 200 के करीब मरीज होते हैं। तीन सूबों के संगम पर वाकया शेख जैद में न सिर्फ रहीम यार खान बल्कि बलूचिस्तान और सिंध से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मुबारक अली का कहना है कि रहीम यार खान में एक अलहदा चिल्ड्रन अस्पताल का होना बहुत जरूरी है। हमारा जो ये चिल्ड्रन वार्ड शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान है, ये 90 मरीजों के लिए बेसिकली रजिस्टर्ड है, जबकि हमारे पास एवरेज जो पेशेंट है पर डे राउंड अबाउट 200 के करीब आते हैं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। अस्पताल में गुंजाइश की कमी और नए अस्पताल की तामीर के बारे में मुख्तलिफ फोरम से बारहा हुकूमत को ये निशानदही की गई, लेकिन शायद आखिरी जिला होने के बायस अभी तक हुक्मरानों की तवज्जो नहीं मिल सकी।